हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ओटीपी को हम बाईपास कर सकते हैं। कई सारे ऐसे क्वेरीज मेरे पास आई थी जिसमें ये बताया गया था कि कई बार जो क्राइम सीन होते हैं उसमें ऐसा नंबर आता है जो देश का नहीं होता है, व्हाट्सएप नंबर हो या आईएमओ का नंबर है, वो कभी फ्रांस का बताता है, कभी ऑस्ट्रेलिया का बतलाता है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है? क्या वो वास्तव में फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया का नंबर होता है, या ओटीपी बाईपास करके वो हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे आईओमे पे जो शो करता है नंबर, वो ओटीपी बाईपास करने के कारण आता है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे या देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ओटीपी को बाईपास कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाना होगा। गूगल पर जाकर ऑनलाइन एसएमएस रिसीवर टाइप करना है, और इसके बाद कई सारे इसमें साइट्स के नाम आएंगे और जिसमें से हमें sms-online.co सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये साइट खुल जाता है, इसमें कई सारे कंट्री का नाम आता है, इसमें से कोई भी कंट्री हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने ये मलेशिया को सिलेक्ट किया है ना, तो ये नंबर यहाँ पे शो करेगा। जैसे ये नंबर आ गया मलेशिया का, ये कंट्री कोड है 60, उसके बाद ये नंबर है 1117000917, इसको कॉपी कर लिए हैं। उसके बाद आईएमओ के में जाकर कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, तो ये मलेशिया ऊपर में है, वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ जो कॉपी वहाँ मोबाइल नंबर कॉपी किए थे उसको यहाँ पेस्ट कर देना है और डन कर देना है। यहाँ से 60 कंट्री कोड भी आ गया था, उसको हटा देना है, ओके कर देना है। अब ये कोड मांग रहा है, ये कोड फिर से उसी साइट पे हम लोगों को जाना है। उस साइट पर जाकर यहाँ देखिए, ये फिर इस साइट पे आ गए हम लोग, इसको फिर से ओपन करना है मलेशिया वाले साइट को। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे एक बार फिर से ये साइट खुल जाएगा, फिर से हम लोगों को मलेशिया वाले कंट्री को ओपन करना है। ये नीचे में सब कंट्री के नाम में आ गए हम लोग, नीचे में ये मलेशिया है, इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये फिर से एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे किनारे में दिया हुआ एक बटन ऊपर में, ये देखिए आ गया यहाँ पे कंट्री, ये हमारा कोड आ गया 7266, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर ले जाकर हम लोगों को आईएमओ में पेस्ट कर देना है, और इस तरह से अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद इसमें मोबाइल नंबर वो शो करने लगेगा, नाम भी एक फेक शो करता है, एक फ़ोटो भी इसमें फेक होता है, ये सारा फेक होता है। इसमें वो जो मोबाइल नंबर वहाँ से कट पेस्ट किए थे वो यहाँ पे शो करने लगा है। इसका इस्तेमाल हालांकि कभी कभी हम लोग भी कर सकते हैं, जिस वेबसाइट को यदि विजिट करना है और उसमें अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हैं तो इस ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन किसी भी गलत काम में अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो एक तरह का ऑफेंस माना जाता है। इस तरह से ओटीपी को बाईपास आसानी से किया जा सकता है। यूजर्स के लिए एक सलाह है मेरी कि इस तरह का कभी भी यदि आपके व्हाट्सएप पे या आपके आईएमओ पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के कोई भी ऐप हो उस पे यदि इस तरह के नंबर से यदि कोई भी मैसेज आता है तो उसको ये समझने की जरूरत नहीं है कि किसी फॉरेन का नंबर है, ये आपके अगल बगल का नंबर हो सकता है। और यदि इस तरह के नंबर से कोई परेशानी हो रही हो तो आप तुरंत इसकी सूचना पुलिस को भी दे सकते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी एक मेरी सलाह है कि यदि इस तरह का कोई नंबर आता है आपकी जानकारी में जिससे इस तरह की कोई घटना होती है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ये कोई नंबर, ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं ये पुलिस के संपर्क में लगातार बने रहते हैं और इनसे डिटेल्स लेना भी हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी दें अपना।